की नगरी। तो हम करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर कोड है 5853 और सेट नंबर है 3। ठीक है, इससे प्रीवियस भी मैं ऑलरेडी 3 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। सेट 3 है, पेपर कोड ये है। ठीक है, तो अगर आपका भी पेपर कोड यही था तो भैया ध्यान से देख लीजिए फटाफट। ठीक है जी, मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग 3 से 4 सेट करा चुका हूँ, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है भाई स्वास्थ्य जो है वो मानव कल्याण का है, तो इजी क्वेश्चन था ये तो। थ्योरेटिकल में लिखना था कि हाँ भाई अच्छी हेल्थ होती है तो ही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाता है। सभी सेट में कॉमन क्वेश्चन है। उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु क्या होती है? इसका यूज़र उपभोक्ता होता है, इसका यूज़र उत्पाद होता है। ठीक है, ये 4 तरीके की होती है, इसका कोई भी टाइप नहीं होता है। ये आप जो है सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते थे। कह रहा है शुद्ध निर्यात और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध निर्यात जो है वो वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं के आयात के बीच का अंतर होता है, जबकि एनएफआईए जो है विदेशों से प्राप्त साधन आए और विदेशों को कारक आय के बीच का अंतर होता है। इसमें वस्तुएं सेवाएं सब कुछ जो है ये पूरा एनएफआईए के घटक वगैरह जो होते हैं वो सब इसके अंदर जो है लिखना था आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, कि नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए इन दोनों के अंदर जो है क्या होता है? ये केवल वस्तुओं का डिफरेंस लेता है बेटा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वस्तुओं का डिफरेंस। इसमें क्या है, एनएफआईए के घटक हमने पढ़े थे, कर्मचारियों को शुद्ध पारिश्रमिक, प्रचार एंड रिटेन अर्निंग, और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका जो डिफरेंस होता है ये उसका उसका वो लेता है। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं तो अगर होता तो भाई मैं तो ये वाला करता, हलवा क्वेश्चन है ये तो। इसके साथ साथ सेम क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, ये तो सब में सेम ही क्वेश्चन है। ये आपको ये पूछ रहा है कि भैया अगर कोई भी अनैच्छिक बेरोजगार है तो उसका भी क्या उपभोग फलन यहीं से स्टार्ट होगा क्या? तो भाई चाहे बेरोजगार हो चाहे कैसा भी हो, सबका उपभोग फलन यहीं से स्टार्ट होता है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। मॉक टेस्ट करा था, सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, डेटा का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं, राम एक सैलून में काम करता है, चोट लग गई, क्या उसे श्रमिक माना जाएगा? माना जाएगा बेटा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पे आय का स्तर 10,000 करोड़ रुपए है, और यदि लोग अपनी अतिरिक्त आय का 20% बताना चाहते हैं तो स्वायत्त उपभोग के मूल्य का गणना कीजिए। ठीक है, आय कितनी है बेटा? आय जो है यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है बेटा 10,000 MP। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? MP, अतिरिक्त आय का 20% बचाना चाहते हैं, MPS दे रखा है बेटा। ठीक है, MPS दे रखा है 0.2। सी बार जो है ये बेटा आपको जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में बोला गया है एक अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ सी इज इक्वल टू वाई होता है वहाँ पे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? तो हम जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए सी का फॉर्मूला होता है बेटा, सी का फॉर्मूला होता है आपका सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये हो गया सी का फॉर्मूला और ये हो गया बेटा वाई। ठीक है, सी बार इसको ऐसे ही रहने देंगे, बी अगर MPS ये है तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, वाई कितना दे रखा है 10,000 और इज इक्वल टू यहाँ पे वाई कितना, यहाँ पे हम कितना रख देते हैं, यहाँ पे भी रख देते हैं 10,000। डेसिमल हटाएंगे, 1010 से 10 8,000 आ जाता है बेटा। सी बार इज इक्वल टू 2,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये मैं करा ही चुका हूँ बेटा सेट के अंदर। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। 0.MPS कितना है बेटा? MPS जो है इसके अंदर 0.2 आएगा इस वाले के अंदर, करा दिया मैंने, देख लेना ये सारा ऐड होगा। ठीक है, दोनों के दोनों ऐड होंगे। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है GDP का वितरण, ये यहाँ पे लिखना था बेटा। ठीक है, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 7 की बात। उसके बाद आती है, कह रहा है आधारिक संरचना को निरंतर सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? कि अगर हमें
आर्थिक सुधार आधारिक संरचना जो होती है उसके अंदर कॉन्टिन्यूस हमें जो है सुधार, हमें जो है कुछ चेंज इसके अंदर हमें क्यों करना चाहिए। अब चेंज अगर नहीं करेंगे, बिना चेंज के, बिना कुछ मॉडर्नाइजेशन वगैरह के, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी पहली सिचुएशन जैसी थी और अब भी वैसी रहेगी, तो भैया आप जो है कुछ कर ही नहीं पाओगे, देश विकास ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो आर्थिक विकास का अगर महत्व भी इसके अंदर आप लिख देते ना, महत्व इसके अंदर लिखना था, आवश्यकता पूछिए ना, आवश्यकता, ठीक है ना, यहाँ आवश्यकता पूछी है, आवश्यकता के अंदर क्या लिखना है, महत्व आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, महत्व आपसे पूछा गया है इनडायरेक्टली। ठीक है जी, उसके बाद जो है सेम क्वेश्चन है ये, तो कर की दरों में कमी का न्यून मांग पे प्रभाव, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाकिस्तान चाइना। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2, भारत पाकिस्तान चाइना। ठीक है जी, एंड दोनों क्वेश्चन बेटा सपोर्ट मटेरियल क्या, चेक कर लीजिएगा सपोर्ट मटेरियल खोल के। निवेश गुणक और एमपीसी एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, तो के और एमपीसी के बीच में कल ही बताया था क्या करना था आपको, के इज़ इक्वल टू 1/(1-MPC) ऐसे लिख के एक बड़ी वैल्यू 0.5 ले लेते, तो ये 0.5 आ जाता 2, और एक बड़ी वैल्यू 0.8 ले लेते तो ये 0.2 आ जाता 5। आपको ये बताना क्या था कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता है के भी बढ़ता है, जैसे जैसे घटता है के भी घटता है, ये इसके अंदर आपको बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या निकालना है। कारक लागत पर शुद्ध उत्पाद, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पे साधन लागत पर शुद्ध उत्पाद जो है इसके अंदर निकालना है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो है, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, 60,000, इसको इसको इन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 97,000। ये इसको और इसको नहीं जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पूंजीगत निवेश, पूंजीगत वस्तुओं में जो निवेश किया जाता है वो स्थायी निवेश होता है, स्टॉक में निवेश जो है कच्चा माल वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेम क्वेश्चन है बेटा, ये तो हर में ही है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे उज्ज्वला योजना वगैरह इसके बारे में आप लिख देते, यहाँ से ये लिख देते, यहाँ पे ऊपर इतनी सारी योजनाएं बताई गई हैं, किसी भी योजना के रिगार्डिंग लिख देते, हो जाता आपका काम। और केयरिंग कैपेसिटी तो बताइए आपको, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। यहाँ पे एक ये जो न्यूमेरिकल है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जी जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे दिक्कत क्या है बेटा, उसने बोला है साधन लागत पर शुद्ध उत्पाद ज्ञात कीजिए। अब सकल पे निकालना है या शुद्ध पे निकालना है, ये यहाँ पे बताया ही नहीं गया है बेटा। ठीक है, ये बहुत सारे सेट में बेटा, एक मैंने कोर्स सेट कराया उसमें भी राष्ट्रीय आय और आय विधि से निकालनी, आय और व्यय विधि से, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल गलत है, और ये भी बेटा न्यूमेरिकल प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे ना। सकल शुद्ध तो निकालना है, शुद्ध उत्पाद तो निकालना है, लेकिन एनपी निकालना है या डीपी निकालना है, एनपी निकालना है या डीपी निकालना है, ये बेटा आपको जो है यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन एक बार ही देखना पड़ेगा कि क्या है, मैं एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा इसके अंदर। अगर आपको करना ही है तो आपको क्या करना था, 600। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, एनडीपी एट एफ सी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस यहाँ पे प्रचालन अधिशेष आपको जो दे रखा है, ये हो जाता है आपका 75, 80, 110, 110 और 45, 155, और प्लस 100। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका 855। अब अगर NDP एट FC निकालना था बेटा इसके अंदर, अगर NDP एट FC निकालना था तो यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ और निकालना था भाई इस पे, अगर NNP निकालना था तो भाई फिर कन्वर्जन कर देते जानता, तो बेटा इसमें भी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, NDP एट FC तो यही आ गया, लेकिन अगर मेरे को NNP एट FC निकालना होता तो मैं कन्वर्ट कर देता इसमें, तो यहाँ पे NFIA और जुड़ जाता। ठीक है, तो ये आ जाता 855 प्लस NFIA दे नहीं रखा, तो यही निकालना होगा बेटा, दोनों 855 ही आएंगे,
कुछ भी कर लीजिए, चाहे DP निकालना हो चाहे NP निकालना हो। अगर आपने 855 लिखा है, अगर आपने 855 लिखा है तो आपका आंसर जो है सही है, क्योंकि यहाँ पे NFIA है ही नहीं, NFIA की वैल्यू 0 है। चाहे NP निकाल या DP निकाल, 855 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इस वाले सेट का सॉल्यूशन।